वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश लिटरेचर मेरीगोल्ड का पहला चैप्टर, जो कि एक पोयम है और इसका नाम है आइसक्रीम मैन। और इस पोयम के पोएट हैं रेचल फील्ड। तो आइए हम लोग यह सुंदर पोयम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पोयम को शुरू करने से पहले हम लोग इस पोयम में आए हुए न्यू वर्ड्स को जान लें। ब्लेज मतलब आग की धधकती हुई लहरें या लपटें। ट्रंडलिंग मतलब छोटी पहियों वाली गाड़ी को चलाना। माउंट्स मतलब टीला या पहाड़। फ्रॉस्टी फीज मतलब ठंडी ड्रिंक जिसमें से बुलबुले छोड़ रहे हों। क्लस्टर मतलब गैदर अराउंड यानी जमा होना या एक ही तरह के चीज़ों या लोगों का झुंड। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विथ हीज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। जब शहरों में गर्मी का दिन आता है और चारों तरफ बहुत गर्मी पड़ती है यानी गर्मी की लहरें चलने लगती है, तेज लहरें यानी धधकती हुई ज्वालाओं जैसे चारों ओर गर्मी फैल जाती है, तो उस समय आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट यानी ठेला लेकर शहरों की गलियों में और सड़कों पर उसे चलाता हुआ आता है। बीनीथ हीज राउंड अम्ब्रेला ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ मॉन्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। उस आइसक्रीम मैन के अम्ब्रेले के नीचे एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य होता है जब वह कोन्स में ठंडी और डिफरेंट कलर्स के क्रीम को भरते हुए उसका एक टीला सा बनाता है और इसे देखकर बच्चों की खुशियां दोगुनी हो जाती है यानी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। और उस आइसक्रीम मैन के पास तरह तरह के अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे आइसक्रीम होते हैं जैसे वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और बहुत सारी ठंडी ड्रिंक्स होती हैं जो बोतलों में भरी होती हैं और ठंडी होती हैं जैसे ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक कलर के ड्रिंक्स। और इस तरह उस आइसक्रीम मैन के पास तरह तरह के स्वादिष्ट वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर का आइसक्रीम होते हैं और साथ ही अनेक तरह की ड्रिंक्स होती हैं जो बोतलों में भरी होती हैं और ठंडी होती हैं, ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की और पिंक कलर की, ढेर सारे कलर्स में डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक्स होते हैं। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। उस आइसक्रीम मैन के कार्ट को यानी ठेले को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह रंग बिरंगे फूलों का एक बिस्तर हो जैसे गुलाब और मटर के फूलों जैसे। और इस तरह उसके रंग बिरंगे और फूलों जैसे सजे हुए ठेले को देखकर, आइसक्रीम बॉक्स को देखकर सभी बच्चे उसके इर्द गिर्द झुंड बनाकर उसे घेर लेते हैं जैसे कि फूलों को देखकर मधुमक्खियाँ उसे घेर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से आइसक्रीम मैन के कार्ट को देखकर, उसके रंग बिरंगे उस आइसक्रीम बॉक्स को देखकर, रंग बिरंगे आइसक्रीम को देखकर बच्चे उसके चारों ओर झुंड बनाकर उसे घेर लेते हैं जिस तरह की मधुमक्खियाँ फूलों को घेर लेती हैं। और इस प्रकार इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि गर्मी के सीजन में जब शहरों में आइसक्रीम मैन अपने ठेले के साथ आते हैं, राउंड लगाते हैं, तो बच्चे उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हुए उसे देखते ही उसे चारों ओर से घेर लेते हैं जिस तरह की रंग बिरंगे सुंदर फूलों को देखकर मधुमक्खियां उसे घेर लेती हैं क्योंकि गर्मियों के सीजन में बच्चों को
बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सभी को आइसक्रीम बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है यह पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह पोएम कैसी लगी। आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।